Good morning students, welcome to computer class standard 3. We will continue our chapter 3 word bank. Word bank का chapter explain कर दिया है मैंने. हमने practically मैंने digital class में आपको सारी चीजें बता दी है. जितने parts हैं उसके बारे में जो dialog box open होते हैं सारी चीजें. Previous period में मैंने filling the blanks जो chapter के related जो बीच-बीच में से मैंने निकाल के आपको filling the blanks सिखा दी थी. And हमने draw किया था find dialog box and आज हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्टबुक की एक्सरसाइज. जो लास्ट हमारा बाकी है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स. पेज नंबर अगर आपके पास टेक्स्टबुक है तो पेज नंबर 40 के ऊपर दिया हुआ है तो आप उसी में फिल कर सकते हो सीधा. ओके, तो पेज नंबर 40 के ऊपर फिलिंग द ब्लैंक्स है वो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है डैश बटन इज यूज्ड टू मेक द विंडो स्मॉल. डैश बटन इज यूज्ड टू मेक द विंडो स्मॉल. विंडो को स्मॉल करना है तो आपको टाइटल बार में से कौन सा बटन प्रेस करना पड़ेगा तब आपकी विंडो स्मॉल हो जाएगी. तो आंसर आएगा यहाँ पे रिस्टोर डाउन. क्या आंसर आएगा? रिस्टोर डाउन. प्रेस द रिस्टोर डाउन बटन इज यूज्ड टू मेक द विंडो स्मॉल. रिस्टोर डाउन बटन इज यूज टू मेक द विंडो स्मॉल. नेक्स्ट है इफ यू क्लिक ऑन द डैश बटन द वर्ड मेड विंडो विल डिसअपीयर फ्रॉम द डेस्कटॉप. आप कौन सी बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तब जो वर्ड मेड विंडो है वो डिसअपीयर हो जाएगा डेस्कटॉप से. डिसअपीयर दैट मींस निकल जाएगा और कहां पे चला जाता है? टास्क बार में चला जाता है. मिनिमाइज कौन सा बटन? जब आप मिनिमाइज करोगे इफ यू क्लिक ऑन द मिनिमाइज. इफ यू क्लिक ऑन द मिनिमाइज बटन द वर्ड मेड विंडो विल डिसअपीयर फ्रॉम द डेस्कटॉप. ओके, डेस्कटॉप से चला जाता है बट वो कहां पे आपको दिखाई देता है उसका आइकन? तो वो टास्क बार में आपको उसका आइकन दिखाई देता है. नेक्स्ट है द डैश शो द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट. द डैश शो द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट. तो आंसर क्या आएगा? टाइटल बार. क्या आएगा? टाइटल बार में आपको जो भी प्रोग्राम में वर्क करते हो उसका नेम दिखाई देता है. टाइटल बार. ओके, द टाइटल बार शो द नेम ऑफ द प्रोग्राम. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है फोर नंबर. द फॉन्ट साइज मेजर इन डेक्स. द फॉन्ट साइज मेजर इन डेक्स. तो फॉन्ट साइज जो होती है रिबन में हम जाते हैं वहां पे फॉन्ट चेंज करते हैं उसकी साइज चेंज करते हैं तो वो कैसे करते हैं? तो उसके पॉइंट दिए हुए होते हैं. 11 नंबर जो है वो डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है. बाद में हम उसमें से 14, 16 जो भी फॉन्ट साइज हमें रखनी है वो हम रख सकते हैं. तो उसे क्या कहते हैं? पॉइंट. Select the entire text, click on select all on the editing
बॉल पे आप क्लिक करोगे तो जितना भी आपने टाइप किया है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा एंड वो आपको हाईलाइट दिखाई देगा, पूरा हाईलाइट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे। मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। नेक्स्ट है 7 नंबर। यहाँ पे क्या आएगा कि हमने सिलेक्ट ऑल कर लिया जो भी टाइप किया था। क्लिक ऑन टेक्स्ट टू मूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द मिडल ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के मिडल में उसे लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलाइन टेक्स्ट सेंटर। अलाइन टेक्स्ट उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा तो जितना भी लिखा है वो सेंटर में आ जाएगा। मैं यहाँ पे वो कर देती हूँ, आपका इस तरह से हो जाए। ओके, ये वाला होता है अलाइन टेक्स्ट सेंटर। ओके, नेक्स्ट है क्लिक ऑन टेक्स्ट टू मूव द सिलेक्ट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो पहले से डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, बट हमें कुछ भी चेंजेस करना है, जब हमें मिडल कर दिया फिर हमें ऐसा लगता है कि उसे लेफ्ट करना है तो हम लेफ्ट में कर देंगे। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर इस तरह का होता है। ओके, तो ये होता है अलाइन टेक्स्ट सिलेक्ट। ए एम आई जी एन लाइन टेक्स्ट लेफ्ट। ओके, तो क्लिक ऑन अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट टू मूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स लिखेंगे। कहाँ पे
टिक करोगे तो आंसर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, तो अंडरलाइन पे ही टिक करना है। तो वो उसका सिंबल इस तरह का होता है, U होता है लिखा हुआ एंड यहाँ पे S है। तो ये आप सिंबल भी ड्रो करते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा क्लिक ऑन अंडरलाइन टू अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। नेक्स्ट है इफ यू क्लिक ऑन पेन नंबर, इफ यू क्लिक ऑन, इफ यू क्लिक ऑन डैश अ डैश अ ड्रॉप डाउन मेनू विल शो यू, मेनू विल शो यू different colors, different colors. Okay, if you click on dash or drop down menu will show you different colors. आप कहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग कलर, तो वो A लिखा हुआ होता है, क्या होता है तो टेक्स्ट कलर, आंसर क्या आएगा टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट। तो उसका जो सिंबल होता है इस तरह का ए लिखा हुआ होता है एंड यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये जो होता है वो टेक्स्ट कलर, इफ यू क्लिक ऑन टेक्स्ट कलर और ड्रॉप डाउन मेनू विल शो यू डिफरेंट कलर। जैसे आपने कलर चेंज किया था, रेड कलर किया था, है ना, तो वहाँ पे आपको कोई भी आपने जिस जो भी टाइप किया है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है तो मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज कर रही हूँ ना, जैसे ये पिंक कलर है, येलो कलर, व्हाइट कलर, तो आपको भी इस तरह से कोई हाईलाइट करना है कोई चीज की दिखानी है, हाँ ये आंसर है या ये क्वेश्चन है, तो उसके कलर आपको चेंज करने हैं तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट कलर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे स्मॉल एरो होता है वहाँ पे आप क्लिक करोगे। इफ यू क्लिक ऑन टेक्स्ट कलर और ड्रॉप डाउन मेनू विल शो यू डिफरेंट कलर, ओके, डिफरेंट कलर आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट है 11 नंबर की फिलिंग द टू इंसर्ट डेटा एंड डेट एंड टाइम, टू इंसर्ट डेट एंड टाइम, टू इंसर्ट डेट एंड टाइम क्लिक ऑन डैश, क्लिक ऑन डैश ऑन द इंसर्ट ग्रुप, क्लिक ऑन डैश ऑन द इंसर्ट, ओके, क्लिक ऑन डैश ऑन द इंसर्ट ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप में कहाँ पे तो डेट एंड टाइम, आंसर क्या आएगा डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम, ओके, डेट एंड टाइम के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इंसर्ट डेट एंड टाइम, क्लिक ऑन डेट एंड टाइम ऑन द इंसर्ट ग्रुप। यहाँ पे मैक्सिमम फिलिंग द ब्लैंक्स में ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर ही है, क्योंकि यहाँ पे डेट एंड टाइम है तो आंसर भी डेट एंड टाइम ही आ रहा है, यहाँ पे अंडरलाइन तो अंडरलाइन ही आ रहा है ना, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसी है जिसका आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर ही है, ओके। आप इतना लिख लीजिए और 2-3 फिलिंग द ब्लैंक्स बाकी है वो हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। नंबर
क्लिक ऑन डैश, क्लिक ऑन डैश ऑन द एडिटिंग टूल, ऑन द एडिटिंग टूल टू फाइंड द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट। हमने जो भी टाइप किया है वहां पे आपको क्लिक वर्ड फाइंड करना है। ओके, चलो यहाँ पे मैंने लिखा है सारा। अभी क्लिक वर्ड मैंने कहाँ पे लिखा है वो फाइंड करना है। तो आपको कहाँ पे जाना है, एडिटिंग ग्रुप में फाइंड के ऊपर क्लिक करोगे, वहां पे आपको फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहां पे आप क्लिक लिखोगे तो जहां जहां पे क्लिक वर्ड यूज किया है, जैसे कि क्लिक फिर और जहां पे क्लिक, तो जहां जहां पे क्लिक लिखा है वो हमें हाईलाइट होता दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, फाइंड। तो यहाँ पे भी फाइंड का आंसर फाइंड ही है। ओके, टू फाइंड अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन फाइंड ऑन द एडिटिंग ग्रुप। ओके, 13 नंबर है टू पुट अ न्यू वर्ड इन, टू पुट अ न्यू वर्ड इन, टू पुट अ न्यू वर्ड इन place of a word in place of a word place of a word click on dash, click on dash on the editing group, on the editing group। यहाँ पे क्वेश्चन है to put a new word in the place of word। तो जो वर्ड लिखा है उसकी जगह में कोई और वर्ड लिखना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, replace। ओके, to put a new word in the place of word click on replace on the editing group। replace editing group में से replace के ऊपर क्लिक करना है। वहां पे पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पे आपको लिखना है replace what में। ओके, कि जो वर्ड, जैसे यहाँ पे body की जगह हमने cuckoo word यूज किया था। ओके, तो वो हम कहाँ से आपको करना है, replace। to put a new word in place of word click on replace on the editing group, editing group में replace पे क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट है लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है 14 नंबर। बाकी मैंने इस चैप्टर में बहुत सारे फिलिंग द ब्लैंक्स लिखाई है ना, कि वो लिख लिख के आप थक गए होंगे, इतनी सारी फिलिंग द ब्लैंक्स है ना। टू फाइंड एंड रिप्लेस 14 नंबर, टू फाइंड एंड रिप्लेस, टू फाइंड एंड रिप्लेस ऑल द वर्ड एट द ऑल द वर्ड एट द एट द सेम टाइम, सेम टाइम क्लिक ऑन डैश, क्लिक ऑन डैश बटन ऑन द डैश बटन ऑन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। ओके, तो आप कहाँ पे क्लिक करोगे, टू फाइंड एंड रिप्लेस ऑल द वर्ड एट द सेम टाइम क्लिक ऑन डैश बटन ऑन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। आपको जहाँ जहाँ पे वर्ड, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया था कि जहाँ जहाँ पे बॉडी लिखा है, बॉडी की जगह हमें वर्ड चेंज करना था, बॉडी की जगह हमें क्या लिखना था, कुकू। तो वो वर्ड हमने सारे जितने एक एक वन बाय वन नहीं बट सारे एक साथ में
रिप्लेस डायलॉग बॉक्स एंड फाइंड डायलॉग बॉक्स मैंने आपको ड्रो करके बताया था एंड मैं वो वर्कशीट में भी पूछूंगी। तो आपको प्रॉपर डायलॉग बॉक्स ड्रो करना है, जो जो बटन उसमें दिए हुए हैं वो भी प्रॉपरली ड्रो करने होते हैं। विदाउट ड्रो आप सिर्फ रेक्टेंगल ड्रो कर दोगे एंड फाइंड लिख दोगे तो उसके कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ सारी फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने लिखाई है वो। तो फर्स्ट है द डैश बटन इज यूज टू मेक द विंडो स्मॉल, तो आंसर आएगा बी, रिस्टोर डाउन। सेकेंड, इफ यू क्लिक ऑन द डैश बटन द वर्ड मेड विंडो विल डिसअपीयर फ्रॉम द डेस्कटॉप, आंसर आएगा मिनिमाइज। नेक्स्ट है द डैश शो द नेम ऑफ अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का नेम कहाँ में शो होता है, तो टाइटल बार, आंसर आएगा टाइटल बार। नेक्स्ट फोर नंबर द फॉन्ट साइज इज मेजर इन डैश, आंसर आएगा पॉइंट्स। नेक्स्ट है टू सेव एनी चेंजेस मेड टू अ डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन सेव, आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो सेव। मैक्सिमम फिलिंग द ब्लैंक्स में ऐसा है कि आंसर ब्लैंक क्वेश्चन के अंदर ही है। ओके, नेक्स्ट है सिक्स नंबर टू सिलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट क्लिक ऑन डैश ऑन द एडिटिंग ग्रुप, पूरी टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करनी है तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट है क्लिक ऑन डैश टू मूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द मिडल ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो अलाइन टेक्स्ट सेंटर, अलाइन टेक्स्ट के कितने हैं टूल्स, तो अलाइन टेक्स्ट सेंटर, अलाइन टेक्स्ट राइट एंड अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, थ्री है। उसमें से आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी टेक्स्ट है उसे मिडल में रखना है, तो आपको क्लिक करना है अलाइन टेक्स्ट सेंटर। नेक्स्ट है क्लिक ऑन अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट टू मूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट है उसे लेफ्ट में रखना है, वैसे वो ऑलरेडी डिफॉल्ट सिलेक्टेड ही होता है। ओके, नेक्स्ट है क्लिक ऑन अंडरलाइन टू अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, आपको जो भी अंडरलाइन करनी है उसका सिंबल होता है यू वाला, तो वहां पे आप सिलेक्ट करोगे तो अंडरलाइन हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड पेड के नीचे अंडरलाइन किया। नेक्स्ट टेन नंबर इफ यू क्लिक ऑन टेक्स्ट कलर और ड्रॉप डाउन मेनू विल शो यू डिफरेंट कलर, आपको टेक्स्ट कलर सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल की वाइट, तो वहाँ पे वर्ड पेड में तो पेज जो होता है वो वाइट होता है, इसलिए आप और कोई ब्लैक कलर डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, आपको रेड ब्लू या जो भी कलर सिलेक्ट करना है वो आप टेक्स्ट कलर से सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इलेवन नंबर टू इंसर्ट डेट एंड टाइम क्लिक ऑन डेट एंड टाइम ऑन द इंसर्ट ग्रुप, डेट एंड टाइम कौन से ग्रुप में है तो इंसर्ट ग्रुप में। ओके, नेक्स्ट है टू फाइंड अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन डैश टू द एडिटिंग ग्रुप, कोई भी वर्ड आपको फाइंड करना है तो आपको कहाँ पे क्लिक करना है, फाइंड के ऊपर। ओके, टू फाइंड अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन फाइंड ऑन द एडिटिंग ग्रुप। नेक्स्ट 13 नंबर टू पुट अ न्यू वर्ड इन प्लेस ऑफ वर्ड, टू पुट अ न्यू वर्ड इन प्लेस ऑफ वर्ड क्लिक ऑन रिप्लेस ऑन द एडिटिंग ग्रुप, आपको कोई भी रिप्लेस करना है वर्ड तो एडिटिंग ग्रुप में रिप्लेस में जाके आपको चेंज करना है, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वहां से। नेक्स्ट है 14 नंबर टू फाइंड ऑड रिप्लेस ऑफ टू फाइंड एंड रिप्लेस ऑल द वर्ड एट द सेम टाइम क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल बटन ऑन द रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 था फिलिंग द ब्लैंक्स पेज नंबर 40 पे, तो वो 14 फिलिंग द ब्लैंक्स थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, नेक्स्ट पीरियड में हम करेंगे राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग टूल्स, टूल्स जो है उसके नेम लिखेंगे, जो जो टूल्स है उसके आइकन्स मैं आपको ड्रॉ करूंगी एंड उसके सामने उसका नेम लिखना है। ओके, तो वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा वैसे कंप्लीट हो गया है, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज भी हमारी नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज का ये पीरियड